गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एट होम. माई सेल्फ आकृति परिक, योर आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर. लेट्स स्टार्ट टूडे सेशन. सो स्टूडेंट्स, टूडे वी विल मेक हैप्पी न्यू ईयर कार्ड. ओके, लास्ट वीक हमने क्रिसमस कार्ड बनाया था, ये वीक हम न्यू ईयर कार्ड बनाएंगे. ओके, आई थिंक यू ऑल आर एक्साइटेड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टूडेज क्राफ्ट सेशन. तो हमें यहाँ पर न्यू ईयर कार्ड बनाने के लिए मैंने कलरिंग पेपर लिए हैं, जो आपके पास नॉर्मली घर में अवेलेबल होते हैं वही कलर के पेपर लेना है आपको. मैंने ये ग्रीन पेपर लिया है, ब्लू पेपर है, पिंक है, रेड है, जो भी पेपर आपके पास अवेलेबल है घर पे, वही पेपर से हमें करना है. आपको सीज़र चाहिए, ग्लू चाहिए, ओके, और पेंसिल. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें, ये चीज़ यूज़ करके हमें आज क्राफ्ट का बनाना है, कार्ड बनाना है. ओके, तो चलो शुरू करते हैं हैप्पी न्यू ईयर कार्ड बनाना. ओके, तो सबसे पहले ये मैंने पेपर लिया है, A4 साइज पेपर है ये. ठीक है, इसको मैंने बीच में से फोल्ड कर दिया है. ओके, और यहां पर बॉर्डर कर दी है मैंने, दिखाई दे रही है सबको? ओके फाइन, तो पेंसिल से मैंने पतली सी बॉर्डर कर दी है. आपको भी बॉर्डर करना है तो आप कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो नॉट एन इश्यू. आपको अलग कुछ बॉर्डर करनी है या तो कुछ डेकोरेशन जैसा करना है तो भी आप कर सकते हो, या तो रेडीमेड लेस आती है वो लेस अगर आपको चिपकानी है तो भी आप उसमें चिपका सकते हो. ओके, अभी ये बॉर्डर जो मैंने की है उसको मैं ब्लैक स्केच पेन से बॉर्डर कर दे रही हूँ. आपके पास घर पे जो भी कलर का पेपर अवेलेबल है आपको वही पेपर यूज़ करना है. ठीक है, ओके, तो यहाँ पर मैंने 4 साइड ये बॉर्डर कर दी है, स्केच पेन से की है. आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो. ओके, अभी हमें इसमें क्या करना है, बुके जैसा बनाना है. तो बुके बनाने के लिए क्या होता है, पूरा फ्लावर का बंच होता है, तो मैं यहाँ पर ये जो छोटे छोटे पेपर्स हैं उसमें से फ्लावर बनाऊँगी. ठीक है, एक फ्लावर मैं आपको करके दिखा रही हूँ. ये मैंने 5x5 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर कट किया है, 5x5 सेंटीमीटर का. आपको कोई भी कलर का ऐसे स्क्वायर कट करना है, उसको हाफ फोल्ड करना है, वापस उसको एक बार फोल्ड करो. ओके, ये स्क्वायर हो गया. अभी ये कॉर्नर से पकड़ के ये साइड को यहाँ पर वापस एक बार फोल्ड करना है. ओके, अभी यहाँ पर इसके ऊपर मैं फ्लावर का शेप ड्रॉ कर रही हूँ. ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया है. ओके, अभी हम इसको कट करेंगे. ध्यान रखना है जहाँ से आप फोल्ड कर रहे हो वो पोर्शन से आपको पकड़ के रखना है, और ऊपर की साइड से करना है आपको कटिंग, तभी वो पूरा फ्लावर का शेप निकल के आएगा. फिर उसको ओपन कर देना है. वाव, देखो कितना सुंदर लग रहा है ना ये फ्लावर. ओके, तो कम मेहनत में ये पूरा फ्लावर का शेप अच्छे से आ जाएगा. आपको भी वैसे ही कलरफुल फ्लावर्स बना के रखना है. देखो मैंने यहाँ पर थोड़े अलग अलग कलर के फ्लावर्स बनाकर रेडी रखे हैं. आपको भी सबसे पहले ऐसे फ्लावर्स थोड़े बनाकर रखना है, उसके बाद उसकी ब्रांचेस बनानी पड़ेगी. तो मैंने ब्राउन कलर पेपर में से थोड़ी ब्राउन पेपर से ऐसे ब्रांचेस बनाकर कटिंग करके रेडी रखी है. ओके, और थोड़े लीव्स कट किए हैं.
ओके तो आपको भी सबसे पहले ऐसे फ्लावर ब्रांचेस और लीव्स कटिंग करके आपको रेडी रखना है, ठीक है। उसके बाद हम ये फ्लावर पेपर पे लगाना शुरू करेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फ्लावर है तो उसके बीच में एक छोटा सा सर्कल हम लगाएंगे। तो सर्कल्स भी मैंने यहाँ पर कट करके रेडी रखे हैं, ओके। तो आपको भी ऐसा ही करना है, थोड़े रेड है, थोड़े पिंक कलर के, देखो ऐसा आपका फ्लावर रेडी होगा, ओके। ठीक है, तो हमारे ये सारे फ्लावर्स जो है वो रेडी हो गए हैं। अगर आपको कटिंग नहीं पा रहा है तो आप पेरेंट्स की या तो बड़े भाई बहन की हेल्प ले सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आपको ऐसे थोड़े फ्लावर्स रेडी कर देना है, ब्रांचेस, और उसके बाद में ऐसे छोटे छोटे थोड़े लीव्स कट करके रखना है, ठीक है। तो चलो अभी हम इसको असेंबल करते हैं, ओके। चलो ये मेरा कार्ड का आगे का पार्ट है। अभी बुके बनाने के लिए नीचे क्या होगा, सबसे पहले उसकी ब्रांचेस लगानी पड़ेगी, तो उसको हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ओके। वन बाय वन एक एक आपको लेकर उसके पीछे आपको फेविकॉल लगाना है, एक यहाँ पर मैं सेंटर में लगा रही हूँ, और गम थोड़ा सा ही लगाना, अगर ज़्यादा गम लगाओगे तो वो स्ट्रिप से बाहर निकल जाएगा और फिर पूरा पेज आपका गंदा हो जाएगा। ओके, अभी थोड़ी थोड़ी ब्रांचेस लगाते हैं छोटी साइज की। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने ब्रांचेस सारी लगा दी है। अभी इसके ऊपर हम फ्लावर पेस्ट करेंगे, ठीक है। फ्लावर भी आपको थोड़े अल्टरनेट लेना है, डार्क कलर, लाइट कलर,
ओके, तो वन बाय वन हम लगाना शुरू करते हैं, और पूरे सर्कल में नहीं लगाना, सेंटर के थोड़े पार्ट में ही लगाना, तो उसके पेटल्स जो खड़े रहेंगे उसकी इफेक्ट बहुत अच्छी आएगी। ठीक है, थोड़े ओवरलैप करके आपको ऐसे लगाना है। ओके, और ये लास्ट वाला फ्लावर मैं यहाँ पर लगा दूँगी। ओके, थोड़ा सा उसको प्रेस कर दो। ओके, गुड। अभी क्या बचा? अभी लीव्स लगाते हम। रैंडमली लीव्स लगाने हैं। थोड़े छोटे लीव्स कट किए हैं मैंने, थोड़े बड़े लीव्स हैं। ओके, लुक कितना सुंदर लग रहा है ना ये। आप अलग शेप के फ्लावर्स भी कट कर सकते हो, अलग शेप के लीव्स भी कट कर सकते हो। ठीक है, और इसके अंदर हमें क्या लिखना है, यहाँ पर अंदर आप हैप्पी न्यू ईयर ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, या तो कोई अच्छा सा आपको थॉट लिखना है तो भी आप लिख सकते हो। ओके, सो नाउ आवर कार्ड इज रेडी। Hope you all enjoy this craft session. See you next week. Have a nice day. Thank you.